वर्तमान सरकार द्वारा बजट 2019 राजस्थान का जो पेश किया 10 जुलाई को, उसमें जो बजट पेश किया गया उसमें केवल परिवहन से संबंधित जो व्यावसायिक वाहन हैं उन पर इस प्रकार का कर बढ़ा दिया कि जिसकी कोई अपेक्षा नहीं थी, और उस कर में इस प्रकार की बढ़ोतरी की गई है जो 200% से लेकर और 622% तक आ गई है। ऐसी स्थिति में वाहन चालकों को, निजी वाहन स्वामियों को वाहन चलाने में कितनी दिक्कत होगी। वर्तमान में डीजल में पैसे इन्होंने बढ़ाए, बीमा में इन्होंने पैसे बढ़ाए, और अब राज्य सरकार ने अपने मनमाने तरीके से इस प्रकार की बढ़ोतरी कर दी है कि इस व्यवसाय पे इतना बड़ा संकट आ गया है और रोजी रोटी के साधन में भी कमी आ जाएगी। इस संदर्भ में आज हड़ताल की, और सरकार से निवेदन किया गया था पूर्व में, जब 10 जुलाई को टैक्स बढ़ाया था उस समय पूर्व में भी निवेदन किया गया था कि सर इस पर पुनः विचार कर, क्योंकि पूर्व में भी इतना ज़्यादा टैक्स था जिसकी मार प्राइवेट बस ऑपरेटर सह रहा था, फिर भी उसके बाद भी इस तरह की बेतहाशा जो वृद्धि की गई है उसके विरोध में आज एक दिन की एक सांकृतिक हड़ताल रखी गई है। 2 तारीख को ऑल राजस्थान बस और ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से जयपुर में एक मीटिंग होगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। ज्ञापन भी देंगे आज अभी 11:30 बजे करीब हम RTO ऑफिस में ज्ञापन देंगे, वहाँ पे भी इस बात का प्रदर्शन करेंगे कि इस प्रकार की जो बेहताशा टैक्स की वृद्धि की गई है उसको ऊपर लगाम लगाई जाए तथा उस पर पुनः विचार कर इस व्यवसाय को मरने से बचाया जाए। आपका नाम सर? नवीन सोगानी, संभागीय अध्यक्ष प्राइवेट बस ऑनर्स एसोसिएशन। अजमेर से आए, गांव जाना था हंसौर का जी, तो यहाँ आए तो पता चल रहा है बस नहीं चल रही है, पता नहीं क्या हो ये प्राइवेट डेगना अजमेर जी, तो यहाँ के पता चला कि ये चलती नहीं है, हड़ताल है, पता नहीं क्या है, परेशानी हो रही है। हाँ बहुत परेशानी हो रही है, प्राइवेट बसों में ज़्यादा सफ़र करते हैं, रोडवेज में ज़्यादा किराया लगता है, इस चक्कर में प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट हमारे गांव के आसपास पूरी जाती है इस चक्कर में। कहाँ से आए? अजमेर से आए, अजमेर सावधरी चौराहे से। कौन से गाँव जाना है? हंसौर जाना है। परिवार? हाँ परिवार सहित है। कितनी देर हो गई खड़े यहाँ पे? 1.5 घंटा हो गया हमें। तो अशोक मेरा नाम।